नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों आज का जो विषय है वो काफी सिंपल है और ये विषय है कि क्या आप आपका जो इन्वर्टर है उसमें कार की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो इन्वर्टर है वो कुछ इस तरह का सोलर इन्वर्टर हो सकता है या फिर जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है सोलर एनर्जी के ऊपर एक काफी जो है लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सोलर एनर्जी में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिए। दोस्तों आपने जो है मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने जो है मेरे इन्वर्टर पे दो बैटरीज इस तरह से लगाई हैं पैरेलल करके, और इस पैरेलल करने का जो गाइड है वो भी आपको मिल जाएगा, आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि मैंने इसमें जो है काफी सारी ऑटोमोटिव बैटरीज भी लगा के रखी है, मतलब जो कार बैटरीज होती है लगा रखी है। तो दोस्तों कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या जो ये कार बैटरियां हैं इसको इन्वर्टर के लिए यूज करना सही रहेगा। तो दोस्तों इसी विषय का जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसका जो फर्क है दोस्तों, ये फर्क हमें समझना पड़ेगा इस बैटरी के बनावट में। दोस्तों बैटरी जो है वो कुछ इस तरह से बनी होती है, और ये आपकी कार बैटरी हो सकती है या फिर आपकी जो इन्वर्टर की जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है ये हो सकती है। तो दोस्तों बैटरी के अंदर जो है कुछ इस तरह से सेल्स बने हुए होते हैं, और जो भी 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें 6 सेल बने हुए होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 सेल बने हुए हैं, और हर एक जो ये सेल होता है ये होता है 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट के 6 सेल, मतलब जो ये हमारी बैटरी बनती है ये टोटल 12 वोल्ट की बन जाती है। दोस्तों कार की जो लीड एसिड बैटरी होती है उसमें भी आप कुछ इसी तरह से जो है डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 खाने बने हुए हैं, मतलब ये 6 सेल्स जो इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों कार बैटरी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं कुछ इस तरह से प्लेट, आपको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ तो आपको ये क्लियरली दिख पाए। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर के जो लेयर्स आप देख रहे हैं, ये परतें जो आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट के नीचे जो है, मतलब पानी के नीचे जो है, ये प्लेट बनी हुई होती है। तो दोस्तों फर्क क्या है हमारी टॉल ट्यूबुलर बैटरी और हमारी कार बैटरी में, फर्क क्या होता है? तो फर्क होता है इन प्लेटों में। दोस्तों कार बैटरी की ये जो प्लेटें हैं ये नंबर्स में ज्यादा होती है, मतलब इसके अंदर जो है काफी सारी बारीक बारीक प्लेटें लगाई जाती हैं। और दोस्तों ये जो कार बैटरी है इनको हम कई बार कहते हैं SLI बैटरी। SLI का मतलब होता है स्टार्टअप लाइटिंग एंड इग्निशन, मतलब ये जो कार की बैटरी होती है दोस्तों ये हमारे कार को स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार का जो स्टार्टर होता है ये कार को क्रैंक करने के लिए बैटरी में से काफी अच्छे खासे जो है एम्पियर्स लेता है। दोस्तों डीजल गाड़ी के लिए ये जो एम्पियर है ये 300 से 500 एम्पियर तक हो सकता है। तो ये कार बैटरी की जो प्लेट है इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है कि ये जो बारीक बारीक इसमें प्लेटें लगी हुई हैं, एक तो इन प्लेटों की जो है गिनती ज्यादा होती है, और गिनती ज्यादा होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया मिलता है प्लेट्स का वो ज्यादा मिलता है। और इसका फायदा ये होता है कि कार को स्टार्ट करने के लिए जो एकदम से हमें बर्स्ट करंट की जो जरूरत पड़ती है वो इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों यू कैन इमेजिन इतनी छोटी सी जो कार बैटरी है इजीली 500 से 800 एम्पियर दे सकती है अगर आप इसके ऊपर हैवी लोड डालें तो। और वहीं पे हम बात करें दोस्तों हमारे इन्वर्टर बैटरी की, तो इन्वर्टर बैटरी में भी कुछ इसी तरह से जो है सेल होते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ प्लेट होते हैं ये नंबर ऑफ प्लेट जो है कम होते हैं, लेकिन प्लेटें मोटी होती है इसके अंदर। तो फर्क ये पड़ता है कि ये जो मोटी प्लेटें हैं ये ज्यादा देर तक डिस्चार्ज करने के काम आती है, मतलब हमें जो बैकअप मिलता है हमारे इन्वर्टर में से ये ज्यादा देर तक मिलता है। और कुछ उसी तरह का अगर हम डिस्चार्ज इस कार के जो प्लेटों पे डालेंगे तो ये जो प्लेटें हैं दोस्तों इसकी, ये देखिए ये जो इसकी प्लेटें हैं ये काफी जल्दी खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लेटें आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्लेटें जो हैं काफी नाजुक होती हैं, काफी जो है बारीक प्लेटें इसमें होती हैं, और ये जो प्लेट है इसको ज्यादा डिस्चार्ज करने के लिए नहीं बनाया जाता, मतलब कई घंटों तक जो है आप इस कार बैटरी से बैकअप नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों कार का जो अल्टरनेटर होता है ये काफी स्ट्रांग होता है,
और एक बार जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो अल्टरनेटर तुरंत जो है इस बैटरी को चार्ज करने लग जाता है। मतलब ये कार बैटरी को जो है हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए जो है पावर देना पड़ता है, और उसके बाद में जो है अल्टरनेटर इस आपके जो गाड़ी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको चलाता है। दोस्तों तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि क्यों जो है हम एक कार बैटरी को इन्वर्टर पे यूज करने के लिए रेकमेंड नहीं करते। दोस्तों अगर टेक्निकल हम बात करें तो ये जो दोनों बैटरियां हैं ये फ्लडेड लीड एसिड बैटरियां हैं। मतलब ये जो बैटरियां हैं इनमें पानी डलता है तो यहां से डलता है, और जो कार बैटरीज है उसमें यहां से पानी डलता है। तो टेक्निकली आप इनको जो है पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं करूंगा मैं। दोस्तों अगर आपके पास में कोई कार बैटरियां पड़ी हुई है बाय चांस, तो फिर जरूर आप उनको जो है आपके इन्वर्टर में पैरेलल करके इन बैटरियों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बैटरियां अगर आप बाहर इसी तरह से छोड़ दोगे तो कोई भी जो लीड एसिड बैटरी है ये सल्फेशन के कारण खराब हो जाती है। और मैंने जो है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि अगर आपके पास में कोई कार बैटरी पड़ी हुई है या फिर आपकी कार का जो यूज है वो यूज काफी कम है, कई महीनों तक अगर आप उस गाड़ी को यूज नहीं करने वाले, तो किस तरह से आप जो है उस बैटरी को आपके इन्वर्टर में पैरेलल करके उसकी हेल्थ जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने में मजा आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। हैव अ नाइस डे गाइस।